पीछे आप देख रहे हो कितना ज्यादा मैस पड़ा हुआ है। Hey guys, my name is Priya. Welcome back to the channel. Welcome back to the new video vlog actually. और आज है 16th of April और no, आज है 17th of April which is Monday. Yes, आज मेरा working day है। जिन लोगों को नहीं पता है, work as a consultant, मतलब big four. So आज मेरा working Monday है और बज रहे हैं अभी 10:45 हो रहा है exactly घड़ी को देख करके। आज का दिन इज गोना बी लाइक सुपर 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 बिजी। ओ माय गॉड, इट्स गोना बी लाइक क्रेजी। सो मैंने सोचा आज ब्लॉग करती हूँ। लेट मी शो यू द मैडनेस दैट गोज इन माय लाइफ, यू नो, ऑन सम डेज। सो आज का दिन बिल्कुल वैसा होने वाला है। लेट मी टेल यू द टास्क विच आई नीड टू डू फॉर टूडे। ओके, सो फर्स्टली मुझे अपने लिए अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, ठीक है, वो बनाऊंगी। सेकेंडली, बहुत टाइम से मैंने रोटी नहीं बनाई है, ठीक है, और आज अजीत को चपाती खाने का मन है। उन्होंने ऑफिस से बोला है कि उनको आज रोटी चाहिए, वो मैं बना तो दूं। बट द कैच हियर इज दैट शाम को हमारा टीम कैचअप है, हमारी जो कॉम्पिटेंसी है उसके लीडर आ रहे हैं, तो उनके साथ हमारा गेट टुगेदर है शाम को। उसके लिए मुझे यहां से बीबीसी जाना है, ओबराय मॉल, विच इज लाइक 90 किलोमीटर्स अवे। सो मुझे पहले ही उनके लिए बनाकर रखना पड़ेगा, सो मेरे पास काम आज बहुत है। सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर मैं दोपहर में बना करके अजीत का नाश्ता, सॉरी अजीत का डिनर बना दूंगी, कोई सब्जी बनाऊंगी और रोटी बना दूंगी उनके लिए। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मिंत्रा का मैंने शूट वगैरह किया था, उसके लिए मुझे सिट डाउन वीडियो बनानी है कि यू नो व्हाट ऑल आई ऑर्डर्ड और फैब्रिक कैसा है, उसकी फिटिंग कैसी है। बहुत सारे टॉप्स हैं, मैं दिखाती हूँ, ये तो अभी बस थोड़े से ही हैं, ये वाले थोड़े से, बाकी बहुत ज्यादा अलमीरा में रखे हैं, मुझे वो करना है, आज ही करना है मुझे। प्लस ऑफिस का काम तो है ही, ऑफिस का काम लकीली ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आज मैनेज कर पाऊंगी ये सारी चीजें, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। सो लेट्स सी मैं कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। लेट्स सी कितना स्किप होता है, कितना होता है, बट ये मेरी टू डू लिस्ट में है आज के कि मुझे ये चीजें करनी है। अभी कितना होता है आई डोंट नो। पहले चलते हैं किचन में मेरी चाय, क्योंकि चाय इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। पानी मैंने रख दिया तो बल्ले को मैं चाय पत्ती डालूंगी। चाय पत्ती जो मैंने यूज करी है, जो मैंने खरीदी है इस बार, इसमें सब कुछ ऑलरेडी है, तो मुझे एक्स्ट्रा अलग से कुछ डालना नहीं पड़ता है, एज इन मुझे अदरक वगैरह अलग से नहीं डालना। काफी अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती है। इसको मैं एक मिनट के लिए ऐसे पकाऊंगी एंड देन आई विल पोर मिल्क इनटू इट। ये मैंने दूध यहाँ गर्म कर लिया। एक्चुअली मैं चाय बना चुकी हूँ एक बार, वो फट गई थी क्योंकि मैंने ठंडा दूध डाल दिया था। सो नाउ आई बॉइल दिस अप और अब मैं ऐड करूंगी इसमें मिल्क। देखो कितना मस्त कलर आया ना, लेट मी टेल यू, चाय पत्ती बहुत अच्छी है वाली। मुझे नाम नहीं ध्यान है क्योंकि अजीत ने ऑर्डर करी थी, बट अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट डाउन करना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बहुत ही पतली दूध वाली चाय मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। चाय मेरी बन गई है, थोड़ी सी मैं नमकीन खाऊंगी, बहुत ज्यादा भूख नहीं है, सुबह सुबह मैं खा नहीं पाती हूँ, तो सिर्फ चाय पीऊंगी और ये खाऊंगी अभी के लिए। दोपहर में जो अजीत के लिए मैं डिनर प्रिपेयर करूंगी ना, वही खाऊंगी दोपहर में। आराम से बैठकर पहले मैं अपना नाश्ता करूंगी बिफोर द मैडनेस बिगिंस। उससे पहले आई जस्ट हैव माय ब्रेकफास्ट आराम से। इंसान चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकता। जब भी मैं नाश्ता करने बैठती हूँ यार, कोई ना कोई दरवाजे पे जरूर आ जाता है। एक रिटर्न पार्सल था। A few inches later, मैंने अपने लिए कुछ फ्रूट्स काटे हैं क्योंकि मुझे लगातार एक घंटे बोलना है। नीड सम एनर्जी। 2 hours later, Hi guys, video and all has been shot, वो सब काम हो गया है। पीछे आप देख रहे हो कितना ज्यादा मैस पड़ा हुआ है, क्योंकि सारी चीजें मैंने शॉर्ट करी है और वीडियो में हॉल है सारे टॉप्स का, तो वो सारा मैस वही पड़ा हुआ है। अभी मुझे सारा समेटना पड़ेगा और अब टाइम है थोड़े से काम करने का, क्योंकि ये सब तो काम हो गया बट ऑफिस का काम अभी पेंडिंग है। आई हैव टू गेट डन विद दिस वर्क बाय टुडे इटसेल्फ, क्योंकि या मतलब करना है यार, देयर इज नो चॉइस एंड नाइदर एन ऑप्शन, सो वो करना है। सो लेट जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दैट और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी अजीत के लिए डिनर और मेरा भी वही लंच रहेगा। सो मैं जल्दी से काम खत्म करती हूँ अपना, जितना हो पाएगा उतना ऑफ कोर्स, क्योंकि
थोड़ा बहुत तो काम उसके बाद भी रहेगा ही। सो यार देखो कितना बड़ा दाना हो गया यार, इट्स नॉट बड़ा तो नहीं है लेकिन दर्द काफी हो रहा है। सो एनीवे चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। हे गुड आफ्टरनून, ऑल गुड, हाउ आर यू? या हे बाय द वे डिड यू सी दैट मेल? Two hours later. Hi guys, बहुत सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊंगी सब्जी। मैं सोच रही हूँ ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँ क्योंकि मैं खाली रोटी बनाने वाली हूँ तो सूखी सब्जी रोटी के साथ अच्छी नहीं लगेगी। सो मैं आलू टमाटर और प्याज की मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी, तरी वाली, और मैं जीत के लिए रोटी बना दूंगी। अभी बज रहे हैं आई थिंक, क्या टाइम हो रहा है यार, अभी बज रहा है 2:30। बनाते सब्जी बनाते बनाते मुझे बच जाएगा 3, और चपाती बनाते बनाते मुझे बचेगा 3:30 क्योंकि मैं आटा लगाऊंगी और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करके 3:30 क्योंकि 4 पे मुझे निकलना है। 6 बजे मेरी एक कॉल है विच आई कांट अफोर्ड टू मिस। सो मैं यहाँ से पहले जाऊंगी जहाँ पे वेन्यू है मीटिंग का, मतलब हमारा गेट टुगेदर जहाँ पे है वो 19 किलोमीटर है यहाँ से, तो मुझे मेट्रो से जाना है क्योंकि ऑटो से सॉरी कैब से अगर मैं जाऊंगी ना 1000 रुपये मुझे कैब के देने पड़ेंगे तो वो तो आई एम नॉट अप टू डू दैट। सो मैं मेट्रो से जाऊंगी, मेट्रो का रूट है तो वाई नॉट यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो और जल्दी भी पहुंचाएगा सबसे बढ़िया। पैसे का तो चलो फिर भी नहीं, एक बार को मैं दे भी दूं बट टाइम जो लगेगा भाई साहब, इसलिए मैं 4 बजे निकलूंगी। 4 बजे निकलकर आई थिंक 5:45 तक मैं वहां पहुंच जाऊंगी। आई विल सेटल एट दी स्टारबक्स, वहां से मैं मीटिंग वगैरह कर लूंगी अपनी और फिर 7 बजे मैं उन लोगों को ज्वाइन कर लूंगी। सो दिस इज द मोस्ट फिजिबल वे आई कैन डू दिस, अदरवाइज तो मैं नहीं कर सकती फिर इसके अलावा किसी भी तरीके से। सो अभी मैं जल्दी से बनाती हूँ खाना। 2 टमाटर डालूंगी, चाहिए 2 मिर्चे, ये हो गया, 2 प्याज चाहिए क्योंकि तरी वाली सब्जी है तो प्याज से इसकी ग्रेवी थिक करूंगी, और आलू मुझे चाहिए 2-4 आलू, एक और ले लेती हूँ मैं अभी खाऊंगी ना ये, इतना सब कुछ 4 चीज़ें और ऑफ कोर्स सम ड्राई स्पाइसेस, इन सबको चॉप करके मिलती हूँ आपसे। मैं ना तरी वाली सब्जी उसमें बनाती हूँ कुकर में, जल्दी बनती है। इसमें डालूँगी तेज पत्ता, 1 इलायची, खड़े मसाले डालती हूँ, काली मिर्च ऑफ कोर्स, जीरा, सब्जी मैंने छौंक दी है, आटा मुझे लगाना है, उसके बाद मुझे रोटी सेकनी है और उससे पहले ऑफ कोर्स थोड़ा सा काम करना है। और बज रहा है अभी एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं, 3:15 पे मैं रोटी आटा लगाऊंगी और फिर मैं रोटी सेकूंगी 3:30 बजे तक। 4 बजे आई हैव टू लीव दिस प्लेस एनी हाउ, और आई थिंक आई विल बी एबल टू लीव एट 4। या अ फ्यू इंचेस लेटर, पसीना देख रहे कितना है काम करते करते, सी आई एम ऑल स्वेटिंग, पूरा बह रहा है पसीना। पर अच्छी बात यह है कि रोटी मेरी पूरी बन गई है, सब्जी बन गई है, एवरीथिंग इज डन। मुझे बस अब शार लेना है, शार लेकर रेडी होना है और मैं फटाक से निकलूंगी। सब्जी की शक्ल में दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने कुकर में बनाई थी, बहुत अच्छी बनी है, आई होप अच्छी बनी हूँ क्योंकि हमेशा अच्छी बनती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरा देखी कि बहुत अच्छी बनी है। अभी खोलती हूँ कुकर एंड लेट मी शो यू। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है,
टेस्टी है खाने में बहुत ज़्यादा, आई एम श्योर होगी। अभी मैं चार लेकर खाऊंगी और मैंने भगोने में पलट लिया है क्योंकि कुकर में जब अजीत आएंगे मैं बोल दूंगी अपना चावल बना ले। उसमें कुकर मेरे पास दो हैं बट दूसरे वाले की प्रेशर कुकर जो है मतलब उसकी सीटी जो है थोड़ी सही काम नहीं करती, इसलिए मैंने उसमें पलट के रख दिया है। आई डोंट वॉन्ट हिम टू स्ट्रगल विद द कुकर एंड ऑल, इसलिए सो यस अब मैं जा रही हूँ चावल लेने। ओके गाइज, बज रहे हैं 4:10 और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। नॉट बैड, मुझे 4 बजे निकलना था बट 4:15 मैं निकलूंगी, मतलब 10-15 मिनट तो आगे पीछे चलता है ना। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि मोस्टली सारे कुछ सब कुछ ही हो गया है जो जो मैंने प्लान किया था। सो अपना OOTD दिखा देती हूँ मैं आपको। दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग, कॉटन कुर्ता विद व्हाइट कलर के ट्राउजर्स और ये मेरे सैंडल्स फ्लैट हैं क्योंकि चलना बहुत पड़ेगा यार मेट्रो में, इसलिए जूड़ा मैंने बनाया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। आई डोंट वांट टू कीप माई हेयर ओपन वाइल कम्यूटिंग क्योंकि पसीना पसीना हो जाऊंगी। कॉम मैं रख लूंगी अपने बैग में, आई एम कैरिंग दिस टोट बैग फ्रॉम माइकल कॉर्स। इसमें अपना टोट बैग मैं अपना लैपटॉप रखूंगी, कॉम्पैक्ट रखूंगी, कॉम वगैरह सब रख लूंगी, सो दैट यू नो वहां पे जाकर के अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगे तो मैं सब कुछ कर लूं। अभी बस जस्ट निकलते हैं। डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, मैं ब्लू लाइन से आई हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू रेड लाइन क्योंकि रेड लाइन पे है वो मॉल। सो या आई एम रशिंग। हाय गाइस, आई फाइनली मेड इट टू द ओबेरॉय ऑन टाइम एंड आई एम एट द स्टारबक्स एज आई डिसाइडेड। आई एम हियर एंड वर्किंग फॉर माय मीटिंग, प्रिपेयरिंग फॉर माय मीटिंग व्हिच इज एट 6 PM। आई लेटन दैट कॉल, इट शुडंट लास्ट मोर देन 15 to 20 minutes, सो या आई विल रैप दैट कॉल अप एंड देन आई जॉइन माय कोलीग्स एंड टीम at BBC. BBC is a restaurant called British Brewing Company. It must be here somewhere, मतलब अभी यहाँ से तो मुझे दिख नहीं रही है but yeah, it must be here. So that was the update which I wanted to give you all. So yeah, there's my laptop open and I'm seated comfortably. Now I'm walking. Hi guys, my work has been done and now I'm completely free. अभी थोड़ा सा टाइम है, सेम जस्ट रोमिंग अराउंड एक्सप्लोरिंग दिस मॉल। एक्चुअली आई हैव कम टू दिस मॉल बिफोर एज वेल बिकॉज यू नो व्हेन वी यूज टू स्टे एट बोरीवली ना, तो ये मॉल हमारे घर से पास पड़ता था, सो आई हैव कम हियर बिफोर एज वेल। बट बहुत कुछ चेंज लग रहा है, चेंज की एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है कैसा लग रहा है बिकॉज कोविड से पहले आए, फिर कोविड आ गया, फिर हम घर ही शिफ्ट हमने कर लिया, सो मुझे ध्यान ही नहीं है। आई एम हेडेड टू ज़ारा, देखते हैं यहाँ पे क्या कलेक्शन है। यार मुझे ना काफ़ी भूख लग गई थी तो मैंने अभी अपने लिए पनीर पफ लिया है क्योंकि इसमें तो टाइम है एंड मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती है। यहाँ पर मेरी थ्रुब्रुमा बेकरी मुझे दिख गई, मेरी फेवरेट बेकरी है, तो वहीं से लिया। मुझे ये भी बहुत पसंद है, मैं अक्सर उनकी ऑर्डर करती हूँ। मैं हाय गाइज, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, मैं अभी जस्ट घर पहुँची हूँ और एक्चुअली हम 2 जगह आफ्टर पार्टी चले गए थे, इसलिए अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक 11:30-12 हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया है और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने टीम के साथ, बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा खाया पिया। मैं पीती तो हूँ नहीं तो बस खाना पीना खाया, इन्जॉय किया। और पहले हम गए BBC ब्रिटिश ब्रूइंग कंपनी और फिर आफ्टर पार्टी करने गए सोशल। सो या इट वॉज अ नाइस टीम गैदरिंग, बहुत मज़ा आई। एंड आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बट
इफ यू लाइक माई व्लॉग्स प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल, वहाँ पे मैं काफी स्टोरी वगैरह पोस्ट करती हूँ तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।